नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लॉकडाउन के बाद आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले FRV 100 डायल वाहन चालक ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुरा में रहने वाले पूनम कश्यप नामक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूनम शराब का आदि भी था और पुलिस की FRV 100 डायल गाड़ी चलाता था, तो वहीं उसके परिजनों का कहना है कि मृतक युवक की वहीं पर अवैध शराब बेचने वाली महिला से बातचीत होने के बाद शराब पीकर घर लौटा था, जिसके बाद अपनी पत्नी से बात करने लगा और अचानक से नशे में कमरे में चला गया और उसके बाद उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की गई और शव को बरामद करने के बाद MY हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस ने परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और पूरे ही मामले में जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है मृतक का? नाम है राजकुमार। क्या करता था ये? FRV में रोटी करता था। तो क्या करा इनने? ये इसका फांसी लगा दी। कहाँ पर? बाहर पर। घर पे ही? हाँ। कब की बात है? कल की बात। तभी क्या PM के लिए लाए? PM के लिए। राजेश, जो मृतक है कौन थे आपके और क्या करते थे? वो मेरा छोटा भाई था, 100 डायल चलाता था FRV में। तो किस कारण से फांसी लगाई? किस कारण से? मैं थोड़ा ड्यूटी से आकर मुझे पता चला तो अर्जेंस में चौकी पर आया। चौकी से पुलिस वाले ने मतलब गाली उठा करके भगा दिया। बोले कि ना पहले उसको गेट को निकालो, फिर उसके बाद में कुछ करेंगे। बोले फिर बाद आएंगे। फिर मैं उसको मतलब गेट पर तोड़ ताड़ के निकाल के लेके आया। मतलब कारण क्या अपने को बस यही था कि अपनी मिसेज से बात कर रहा था और सुबह सुबह कहीं से मतलब वो कोई दारू बेचती है, कच्ची दारू, उससे शायद कुछ ना कुछ संपर्क में था। उसको वहाँ से आया था दारू पी के, फिर अपनी मिसेज से बातचीत कर रहा था। क्या तो, क्या डायल 100 बेच करते थे, पैसे ऐसे मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? हाँ, पैसे ऐसे सब मिल रहा था। कि पर वही डायल 100 पैसे नहीं मिल रहे थे, इसके कारण? नहीं नहीं नहीं, उसके कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कुछ सुसाइड नोट या किस प्रकार से कुछ छोड़ा? सुसाइड नोट का तो नहीं पता नहीं है मुझे, इतनी इमरजेंसी में मुझे कुछ पता नहीं चला। आपका नाम बता दो। मेरा नाम राजेश कश्यप है। कहाँ रहते हो? 22 भागीरथपुरा लक्ष्मीनगर स्टेशन के ठीक सामने। क्या लगते हो आप उनके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ठीक। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।